या तो देते मत, देकर छीन ली, इससे बुरी बेइज्जती नहीं हो सकती। कुछ ऐसी ही ठेस लगी है तिगांव के नागरों को। फरीदाबाद के गुर्जरों में नागर और भड़ाना दोनों बड़े गोत्र हैं और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी रहे हैं। पिछले लगभग 30-35 सालों में पहाड़ के भड़ानाओं की माली हालत बहुत अच्छी हुई है और इसकी परिणति उनके राजनीतिक उठान में भी देखने को मिली है। दूसरी ओर 15 साल पहले नहर पार नई बस्ती के बसने से न सिर्फ नागरों की आय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी परवान चढ़ी हैं। ऐसे में तिगांव के लिए ललित नागर को कांग्रेस से लोकसभा टिकट मिलना न सिर्फ नागरों के लिए बड़े सम्मान का मामला था बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला अवसर भी था। हालांकि ललित नागर लोकसभा में कृष्णपाल के मुकाबले बेहद कमजोर उम्मीदवार थे, लेकिन तब भी तिगांव में साल 2009 के अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में ललित ने कृष्णपाल को कड़ी चुनौती देकर अपनी धाक जमा ली थी। वह चुनाव ललित 800 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन इलाके के नागरों को लगने लगा था कि अब उनकी राजनीतिक हनक चंडीगढ़ और दिल्ली तक सुनाई जाएगी। इसके बाद 2014 का विधानसभा चुनाव भी तिगांव में नागर बनाम नागर रहा और ललित नागर ने बीजेपी के राजेश नागर को मामूली अंतरों से हरा दिया। लेकिन नागरों को संतुष्टि इस बात की थी कि अब विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो गया है। नागरों को यह सफलता 1977 में गजराज बहादुर नागर की जीत के लगभग 37 साल बाद मिली थी। वैसे भी अवतार और ललित के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। टिकट छिनने का यह गम एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच कटुता बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही उनके समर्थकों को भिड़ाने का भी काम करेगा। वैसे भी अवतार भड़ाना और ललित के बीच कहा सुनी का एक ऑडियो भी समय समय पर वायरल होता रहता है। सियासत का कायदा कहता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ऐसे में क्या अवतार के खिलाफ नागर एक बार फिर कृष्णपाल को अपना समर्थन और वोट देंगे, यह अगले 20 दिन की सियासी बिसात में पड़ने वाले पासे तय करेंगे। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कुल जमा 11% गुर्जर एक बार फिर अपना पाला तय करेंगे। तब तक हमारे साथ देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम जात ही पूछो नेता की।